हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण करने उपरांत पत्रकारों को संबोधित किया। सीएम ने कहा, पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के सफल आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और खेल एवं युवा मामले मंत्रालय को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने का अवसर हरियाणा को देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। एक हम पंचकुला में यहाँ साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो स्पोर्ट्स का है उसको भी मंजूरी दी गई है और उसको भी यानी और चार स्थानों के ऊपर करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव इसमें भी स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि उनको जो परेशानी होती है, कहीं तकलीफ होती है, कहीं इंजरी होती है, कहीं और चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ, ऐसी सब चीज़ों के हल के लिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये फैसिलिटीज़ भी हम आगे लागू कर रहे हैं। युवा क्लब्स बना रहे हैं और उनके लिए हम जैसे एक वातावरण बने, वातावरण में हमने जैसे शुरू किया, बड़े बड़े मैराथन शुरू किए, अब वो खेल की भावना को बढ़ाने के लिए हैं। हमने राहगिरी शुरू की, हर जिला केंद्र पर राहगिरी, ताकि सुबह सुबह लोग उठें, खेलें, कूदें, आए जाएं, तो एक वातावरण को स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, व्यायाम करने के लिए ये सारा वातावरण बना है। हरियाणा उसमें नंबर वन पर है, इसको हम और आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि खेलो इंडिया गेम्स के तहत 25 प्रकार के कई खेल आयोजित किए जाएंगे। इसमें 20 खेल ऐसे हैं जो पहले से आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस बार 5 प्रादेशिक खेल भी जोड़े गए हैं। इसमें पंजाब का गतका, मणिपुर का थांगता, केरल का कलारीपयट्टू, महाराष्ट्र का मलखंब और योगासन शामिल है। इन खेलों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 150 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के लिए, इसके विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए अन्य उपकरणों और सुविधाओं के लिए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सभी खेलों के अनुसार विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे की सभी तैयारियां निर्धारित समय और 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा नियंत्रण खेल के मामले में आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार हर वर्ष खेलों के बजट में वृद्धि कर रही है। वर्ष 2014-15 में खेल का बजट जहां 151 करोड़ था, वो आज 2021-22 में 394 करोड़ हो गया है, जो कि दोगुना से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कैच दैम यंग पॉलिसी के तहत बचपन से ही खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए 500 खेल नर्सरियां, जो कि कोविड 19 के कारण बंद हो गई थी, उनको फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा 500 और खेल नर्सरियों को विकसित किया जाएगा। हमने इनाम के नाते से तो आपको पता ही है कि हरियाणा जो है देश भर का क्या दुनिया भर का सबसे ज्यादा इनाम देने वाला ये प्रदेश है, लेकिन तैयारी के लिए भी जैसा एक निर्णय इस बार लिया, बहुत उसका ओलंपिक वाले खिलाड़ियों ने बड़ा उसका एक अच्छा महसूस किया कि जो 15 लाख रुपए पार्टिसिपेशन जो करके आते थे उनको बाद में मिलते थे। हमने कहा इस 15 लाख की आखिर तैयारी के लिए आपको जो पहले चाहिए आप पहले ले लें, इसमें बाकी बाद में दे देंगे। 5 लाख रुपए एडवांस में दे दिया, उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ उनको, उसकी तैयारी में उसका सारा खर्च हुआ, उसके कारण से भी लाभ मिल रहा है। और हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को अध्ययन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए दूसरे प्रदेशों के लोग भी आ रहे हैं। गुजरात की टीम लगातार 15 दिन यहाँ रह के गई है, बाकी प्रदेशों के लोग भी आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की राशि एडवांस में देने की पहल को भी खिलाड़ियों ने सराहा है। इसके लिए हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां पर देश ही नहीं दुनिया में ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक राशि इनाम स्वरूप दी जाती है। खेलों में हो रही हरियाणा की प्रगति को देखते हुए अन्य प्रांत भी हरियाणा की खेल नीति का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से खेलों के लिए तैयार करने के लिए पंचकुला में साइंटिफिक ट्रेनिंग और सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में भी इस तरह के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।